नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल ऑफ मास एम डिस्क्राइब द सर्कल ऑफ रेडियस आर. द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज 4 बाय आर स्क्वायर. सवाल है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल क्या होगा. ना अच्छा सवाल है. इसको हमें यहाँ पे दिया हुआ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू दी है 4 बाय आर स्क्वायर. नाउ यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नोटिस करना, जब हमारा कोई पार्टिकल या आपका प्रोटॉन है या आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जब मूव करता है तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो 1 बाय आर स्क्वायर से K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, उससे सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन आता है. यही अगर यहाँ पे अर्थ है और ये आपका मून है तो यहाँ पे आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन फिर 1 बाय आर स्क्वायर के प्रपोर्शनल होता है, GMM बाय आर स्क्वायर. सो बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन है. उन सिचुएशन के लिए हमें एक सर्टेन वैल्यू दी हुई है, AC इज 4 बाय आर स्क्वायर. सवाल है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल क्या होगा. नाउ ये बात अपने को पता है, अपने को दिया हुआ है AC इज इक्वल टू 4 बाय आर स्क्वायर. 4 यहाँ जनरल वैल्यू डाल दिए. AC की वैल्यू हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू V² बाय R इज 4 बाय आर स्क्वायर. नाउ अगर हम R को उधर ले जाए तो हम कह सकते हैं आपका जो V² है वो हो जाएगा 4 बाय R और V की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 4 बाय R. मोमेंटम अपने को पता है, इसको हम लिखते हैं MV. सो V की वैल्यू अगर यहाँ इंसर्ट कर देंगे तो आपका जो मोमेंटम है उसकी वैल्यू आ जाएगी IM मल्टीप्लाइड बाय 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R. तो ये मोमेंटम है, इसकी वैल्यू ध्यान रखना, मोमेंटम इन दैट केस अंडर रूट R के प्रोपोर्शनल होगी. सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर. आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ